तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा, आपका स्वागत है हमारे चैनल मेक इट इजी #TOC पे। हम लोग बात कर रहे थे अपने सीरीज ऑफ वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग DFA डिजाइनिंग के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। इस वीडियो को और DFA डिजाइनिंग के और कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हम लोग जितने ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे DFA डिजाइनिंग के ऊपर, उतनी ही हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, बेटर होगी, उतने ही कंसेप्ट हमारे मजबूत होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ DFA डिजाइनिंग के जो सीरीज है उसको करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ मिनिमल DFA विच एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग ओवर 0.1 विच इज डिविजिबल बाय 2। असलियत में क्वेश्चन है विच इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 4। मेरा मेन मकसद है इस क्वेश्चन को समझाना और साथ ही साथ एक शॉर्टकट ट्रिक देना, जैसे इस पैटर्न के सारे क्वेश्चन जो आते हैं गेट एग्जाम में उसको हम लोग मिनटों में चुटकियों में सॉल्व कर जाएं। तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, एक शॉर्टकट ट्रिक जनरेट करेंगे यहाँ पर से, ठीक है। तो उस शॉर्टकट पे पहुंचने के पहले हम लोग क्या करते हैं, डिविजिबल बाय 2 से स्टार्ट करते हैं, तो फिर हम लोग को समझ में आएगा आपके शॉर्टकट कैसे वहां पे लग रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, डिविजिबल बाय 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को एक ऐसा DFA बनाना है जो कि एक्सेप्ट करे सारी स्ट्रिंग ओवर ये W इज इक्वल टू 0.1 में जितनी भी स्ट्रिंग है उसी को एक्सेप्ट करे जो कि क्या हो, डिविजिबल हो 2 से, ठीक है। डिविजिबल हो 2 से, ऑब्वियसली अगर कोई भी नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 के साथ तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा या तो 0 या तो 1। तो हम लोग को स्टेट्स कितने लगेंगे यहाँ पे, हम लोग को स्टेट्स लगने वाले हैं यहाँ पे 2 स्टेट। एक होगा Q0 जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारा रिमाइंडर का 0, और एक जो दूसरा स्टेट होगा वो क्या होगा, Q1 जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारे रिमाइंडर 1 वाले स्टेट को, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे अगर मैं Q0 पे खड़ा हूं इसका मतलब मैं कुछ रीड नहीं किया हूं, ठीक है, कुछ रीड नहीं किया हूं। तो अगर मैं यहाँ पे 0 को रीड किया, तो अगर मैं 0 को रीड किया तो ऑब्वियसली 0 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, हम लोग का 0 ही आने वाला है। तो अगर 0 आएगा तो उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, बिल्कुल करना है उसको एक्सेप्ट, तो हम लोग इसको एक्सेप्ट कर दिए। अब भाई जिसको एक्सेप्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बनाते हैं, कौन सा स्टेट बनाएंगे, फाइनल स्टेट बनाएंगे, तो इसको हम लोग फाइनल स्टेट बना दिए। तो इसका मतलब क्या, 0 आएगा तो हम लोग को एक्सेप्ट करना है, ठीक भाई 0 आ गया एक्सेप्ट करना है। अगर हम लोग यहाँ पे 1 रीड करते हैं तो 1 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो 1 को अगर डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो रिमाइंडर ऑब्वियसली कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, और 1 आएगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, तो उसको पहुंचा देते हैं हम लोग ऐसे स्टेट में जहां पे रिमाइंडर क्या है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इस स्टेट पे खड़ा हूं, Q1 पे खड़ा हूं, इसका मतलब मैं क्या रीड कर चुका हूं, 1 को रीड कर चुका हूं। तो अगर मैं 1 को रीड कर चुका हूं तो इस स्टेट के लिए तो हम लोग ट्रांजिशन लिख दिए 0 और 1 के लिए, इस स्टेट के लिए अभी बचा है। अगर मैं Q1 पे खड़ा हूं तो मैं रीड कर चुका हूं 1, ठीक है, और अगर आगे क्या आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब क्या, ये क्या है हम लोग का बाइनरी फॉर्म में 1 0, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं, ठीक है, इन डेसिमल्स हम लोग क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे। तो अगर मैं 2 को डिवाइड करूंगा 2 के साथ तो ऑब्वियसली रिमाइंडर मेरा कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। इसका मतलब अगर यहाँ पे 0 आता है तो मेरे को उसको भेज देना है ऐसे स्टेट में जहां रिमाइंडर 0 हो, तो इसको मैं भेज देता हूँ ऐसे स्टेट में जहां पे रिमाइंडर क्या है हम लोग का 0 है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और इसको हम लोग भेज देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 0 आने पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, अगर यहाँ पे मैं खड़ा हूं तो 1 रीड कर चुका हूं, अगर आगे आ गया 1 तो इसका मतलब क्या है, इन डेसिमल है, क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका मतलब अगर मैं 3 को डिवाइड करता हूँ 2 के साथ तो ऑब्वियसली रिमाइंडर आने वाला है 1, और 1 आएगा इसका मतलब ऐसे स्टेट में भेजना है जहां पे रिमाइंडर क्या है हम लोग का 1 है, तो मैं इसको यहीं पे घुमा देता हूं ऐसा, ठीक है, ये 1 है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या बना लिए, इसका कंप्लीट DFA बना लिए, मिनिमल DFA बना लिए, ठीक है। अब देखिए किसी भी DFA को रिप्रेजेंट करने के अपने पास कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं, क्या क्या, एक तो हमारा DFA ये जो स्टेट डायग्राम है, और दूसरा होता है स्टेट ट्रांजिशन टेबल। हम लोग इसको टेबल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अगर मैं इसको टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो कैसा हो जाएगा, तो टेबल कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो हम लोग का रो है, ठीक है, इसमें हम लोग को क्या लिखना है, इस कॉलम में हम लोग को क्या लिखना है, स्टेट्स लिखना है। यहाँ पे क्या क्या स्टेट्स हैं, Q0 है, Q1 है, इनपुट सिंबल्स मेरे क्या है, 0 है और 1 है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। Q0 ऑन 0 क्या है हम लोग का, Q0 है, ठीक है। Q0 ऑन 1 क्या है हम लोग का, Q1 है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। Q1 ऑन 0 क्या है, Q0 है, और Q1 ऑन 1 क्या है हम लोग का, Q1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम लोग का स्टेट ट्रांजिशन टेबल आया, ये आप नोट कर लीजिए। और अभी मैं इस टेबल को, अगर हम लोग का टेबल है इसका मतलब DFA है, डायग्राम है इसका मतलब DFA, कुछ भी इन दोनों में से बनाया तो हम लोग के पास क्या है, DFA, और ये हम लोग का क्या है, इनिशियल और फाइनल स्टेट यही है Q0, ठीक है, स्टार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए
ये एक टेबल बनाने का एक शॉर्टकट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, उसके पहले अब हम लोग देखते हैं अगर स्ट्रिंग्स क्या होंगी डिविजिबल बाय थ्री। डिविजिबल बाय थ्री की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थ्री की बात करता हूँ तो वहां पे कितने स्टेट्स होंगे, ऑब्वियसली वहां तीन स्टेट्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे तीन स्टेट हुआ और ये क्यू जीरो रिप्रेजेंट करेगा जीरो रिमाइंडर वाला, क्यू वन रिप्रेजेंट करेगा वन रिमाइंडर वाला और क्यू टू रिप्रेजेंट करेगा टू रिमाइंडर वाला, ठीक है भाई। अब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं कुछ रीड नहीं किया हूं, अगर मैं यहाँ पर से जीरो रीड करता हूं तो जीरो डिवाइड करेंगे थ्री के साथ, रिमाइंडर कितना आने वाला है जीरो आने वाला है, इसका मतलब जीरो को हम लोग एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, बिल्कुल करना है, इसको हम लोग एक्सेप्ट कर दिए जीरो के साथ, ठीक है। अब अगर वन आएगा तो अगर मैं वन रीड करता हूं तो वन को अगर डिवाइड करते हैं थ्री के साथ तो रिमाइंडर कितना आएगा, हम लोग ऑब्वियसली वन आएगा, तो हम लोग उसको ऐसे स्टेट में भेज देते हैं जहां रिमाइंडर कितना है वन है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस स्टेट के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो अगर मैं Q1 पे खड़ा हूं तो मैं क्या रीड कर चुका हूं बताइए, क्या रीड कर चुका हूं, मैं वन रीड कर चुका हूं, तो अगर वन के बाद अगर जीरो आता है, वन के बाद अगर जीरो आया तो इसको अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये क्या है टू है, ठीक है। टू को अगर मैं डिवाइड करता हूं किसके साथ, थ्री के साथ अगर मैं डिवाइड किया तो ऑब्वियसली रिमाइंडर कितना आने वाला है मेरा टू आने वाला है, तो टू रिमाइंडर आएगा, तो मैं ऐसे स्टेट में भेज देता हूं जहां पे रिमाइंडर कितना है मेरा टू है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं और अगर क्या आ जाए वन आ जाए, तो वन रीड कर चुका था और वन आ जाए, इसका मतलब क्या, ये क्या है हम लोग का डेसिमल में थ्री है, ठीक है, डेसिमल में थ्री है, तो अगर थ्री आता है तो थ्री को अगर डिवाइड करेंगे थ्री के साथ तो ऑब्वियसली रिमाइंडर कितना आएगा हम लोग का जीरो आएगा, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे क्या आ जाए वन आ जाए तो हम लोग इसको भेज देते हैं ऐसे स्टेट पे जहां पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा हम लोग का जीरो हो जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस स्टेट के बारे में बात करते हैं, क्यू टू के बारे में बात करते हैं, तो अगर मैं क्यू टू पे खड़ा हूं इसका मतलब मैं क्या रीड कर चुका हूं बताइए आप, क्या रीड कर चुका हूं मैं रीड कर चुका हूं वन और जीरो को, वन और जीरो को मैं रीड कर चुका हूं, थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ठीक है, वन और जीरो को मैं रीड कर चुका हूं, अगर मैं यहाँ पे जीरो फिर से रीड करता हूं, ठीक है, जीरो को अगर मैं फिर से रीड किया तो ये बाइनरी फॉर्म है, ये ऐसा है, और इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये फोर होगा, ठीक है, फोर को अगर डिवाइड करेंगे हम लोग थ्री के साथ तो रिमाइंडर कितना आएगा, फोर को अगर डिवाइड करेंगे थ्री के साथ तो रिमाइंडर ऑब्वियसली वन आएगा, तो अगर ये यहाँ पे जीरो आता है, जीरो का ट्रांजिशन ये सीधा हम लोग का कहां पहुंचाएगा, हम लोग को वन वाले स्टेट में पहुंचाएगा जहां रिमाइंडर वन है, तो ये हम लोग को यहां पहुंचा दिया जब जीरो आया तो, ठीक भाई। अगर यहाँ पे वन आता, वन जीरो के बाद वन आता, इसका मतलब ये क्या है हम लोग का 8421 के हिसाब से, ये वन टू ये फोर ये क्या हो गया फाइव, फाइव को अगर मैं डिवाइड करता हूँ थ्री के साथ तो रिमाइंडर क्या आएगा हम लोग का टू आएगा, तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं यहाँ पे वन के साथ क्या कर दूंगा यहाँ पे लूप ले लूंगा, तो ये जो मैं अभी बनाया हूं ये क्या हो गया स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम हो गया। अगर मैं इसका टेबल बनाने जाऊं, अगर मैं इसका यहाँ पे टेबल बनाता हूं कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे क्यू जीरो, यहाँ पे हम लोग कितने स्टेट हैं, क्यू जीरो क्यू वन और क्यू टू, क्यू जीरो क्यू वन और क्यू टू, ठीक है, तो ये हम लोग के स्टेट्स हैं और इनपुट सिंबल हम लोग के क्या क्या है जीरो और वन है, फिर से जीरो और वन, तो देखिए क्यू जीरो ऑन जीरो, क्यू जीरो ऑन जीरो क्या है हम लोग का क्यू जीरो है, ठीक है भाई, क्यू जीरो ऑन वन क्या है हम लोग का क्यू वन है, Q1 ऑन जीरो क्या है, Q1 ऑन जीरो, Q1 ऑन जीरो Q2 है, ठीक है भाई Q2 है, Q1 ऑन वन क्या है हम लोग का, Q1 ऑन वन क्या है हम लोग का Q0 है, ठीक है, Q2 ऑन जीरो क्या है हम लोग का, Q2 ऑन जीरो, Q2 ऑन जीरो हम लोग को पहुंचा देते हैं Q1 पे, और लास्टली क्या है हम लोग का क्या बचा Q2 ऑन वन पहुंचा देगा हम लोग को Q2 में, ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का और इसको बना देते हैं फाइनल स्टेट, तो ये हो गया हम लोग का स्टेट ट्रांजिशन टेबल, तो ये हो गया हम लोग का डिविजिबल बाय थ्री के लिए। अब आते हैं हम लोग के मेन क्वेश्चन पे, डिविजिबल बाय फोर के लिए क्या करेंगे, ठीक है, डिविजिबल बाय फोर के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा क्वेश्चन को मैं और चेंज करता हूं, ये दोनों से आप जरूर डिविजिबल बाय फोर बना लेंगे, मैं इतना आपको गारंटी ले सकता हूं, ठीक है। अब जीरो वन की जगह यहां पे मैं बाइनरी अल्फाबेट्स लिया था, अब मैं इसको बाइनरी ना लेके इसको चेंज कर देता हूं, टर्नरी नंबर्स ले लेते हैं हम लोग जीरो वन और टू के लिए, अब थोड़ी दिक्कत आनी चालू हो जाएगी हम लोग को, ठीक है, तीन इनपुट सिंबल्स है, तीन इनपुट सिंबल्स है तो काफी अब मुश्किल होने वाली है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब अगर इसका मैं डीएफए बनाने जाऊंगा ना, अब डीएफए अगर मैं बनाने की कोशिश करूंगा तो मैं बहुत फंस जाऊंगा, ठीक है, काफी फंसूंगा वहां पे जीरो वन और टू पे। अच्छा मैं मिटा दिया ये, ठीक है, यहां पर से ऑब्जर्वेशन से हम लोग को क्या करना था इसको बनाना चाहिए था। अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपको क्या करूंगा डिविजिबल बाय थ्री के लिए, ये टर्नरी वाले के लिए बताता हूं, डिविजिबल बाय थ्री अगर ये होता, ठीक है, ये डिविजिबल बाय थ्री है और ये टर्नरी ऑपरेटर, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर बोल रहा हूँ, टर्नरी अल्फाबेट है, तो क्या होता हम लोग इसको ट्राई करते हैं, ठीक है, जीरो वन और टू हो गया, थोड़ा चीजें तो हम लोग कॉम्प्लीकेट करते हैं, ऐसे भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है,
तो डिविजिबल बाय 3 की अगर बात करो, स्टेट्स अभी भी हम लोग कितने लगने वाले हैं भैया, 3 ही लगने वाले हैं। स्टेट्स हम लोग को उतने ही लगे 3, क्योंकि डिविजिबल बाय 3 है। रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, या तो 0 होगा रिमाइंडर, या तो 1 होगा रिमाइंडर, या तो क्या होगा 2 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हर एक इनपुट स्टेट, हर एक स्टेट में हम लोग को ट्रांजिशन दिखाना है ये तीनों सिंबल्स के गाने। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं कुछ भी रीड नहीं किया हूं, इसका मतलब मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं कुछ भी रीड नहीं किया हूं, तो अगर मैं यहां पे 0 रीड करता हूं, तो 0 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 3 के साथ, तो ऑब्वियसली मेरा रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो 0 रिमाइंडर को हम लोग क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, बिल्कुल एक्सेप्ट करना है, तो ये आ गया 0। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 1 रीड किया यहां पे, तो 1 को अगर डिवाइड कर दे 3 के साथ, तो रिमाइंडर ऑब्वियसली कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो 1 आएगा रिमाइंडर, तो मैं इसको भेज देता हूं आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके लिए अभी कंप्लीट हुआ क्या, नहीं हुआ। अगर यहां पे मैं खड़ा हूं और अगर मैं 2 रीड करता हूं, 2, ठीक है, तो अगर मैं 2 को डिवाइड करता हूं 3 के साथ, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर कितना आएगा मेरा, 2 आने वाला है। ठीक है, 2 आने वाला है रिमाइंडर, तो मैं इसको भेज देता हूं यहां से लेके सीधा इधर, ऐसा। अब ये कंप्लीट है, ये वाला स्टेट अभी के लिए हम लोगों का क्या है, कंप्लीट है। ठीक है भाई, अगर मैं Q1 पे खड़ा हुआ, ठीक है, Q1 पे खड़ा, क्या रीड कर चुका हूं मैं, 1 रीड कर चुका हूं। ठीक है, अब अगर यहां पे 0 आता है, 0, ठीक है, अब यहां पे अगर 0 आया, तो ये क्या है, इंटरनरी है। ठीक है, इंटरनरी, टर्नरी को, बाइनरी को तो हम लोग कन्वर्ट करना आता है, टर्नरी को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग डेसिमल में, तो देखिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये जो नंबर है, ठीक है, ये नंबर को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो 1 × 3 प्लस करेंगे ये वाला नंबर, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 3 इन डेसिमल। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं रीड कर चुका हूं 1, अगर मैं 0 रीड करता हूं, तो इसका मतलब मैं 3 है। ठीक है, 0 रीड किया, उसका मतलब 3 आ रहा है, और 3 को अगर डिवाइड करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, ऑब्वियसली रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, तो मैं इसको कहां भेज दूंगा, मैं इसको इधर भेज दूंगा। ठीक है, ऐसे स्टेट में जहां पे रिमाइंडर क्या है, 0 है, तो ये 0 के लिए इसका ट्रांजिशन दिखा दिए। अब इसको 1 के लिए ट्रांजिशन देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, रीड कर चुका हूँ 1, और 1 ऐसा, ये इंटरनरी है, इंटरनरी है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, 3 × 1 + 1 = 4, 4 इन डेसिमल लिखा हुआ है, और 4 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3 के साथ, तो रिमाइंडर आएगा 1, तो 1 आएगा रिमाइंडर, तो ऑब्वियसली मैं ऐसे स्टेट में इसको भेजूंगा जहां पर रिमाइंडर 1 आए, जो कि ये खुद है, तो मैं यहाँ पे लूप कर दूंगा किसके लिए, 1 के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी एक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 2 के लिए बचा है, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे रीड कर चुके हैं 1, अगर आता है 2, तो इंटरनली इसको कन्वर्ट करते हैं 1 × 3 + 2, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 5 इन डेसिमल। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 आता है, 5 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो रिमाइंडर कितना आएगा हम लोग का, 2 आएगा। तो यहां पर अगर मैं रीड करता हूं 2, तो वो भेज दूंगा मैं ऐसे स्टेट में जहां पे रिमाइंडर कितना है हम लोग का, 2 है। ठीक है भाई, ये भी कर दिया हम लोग। अब ये वाला स्टेट बचा है, ठीक है, इसको भी कंप्लीट करते हैं। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, तो मैं क्या रीड कर चुका हूं, 1 रीड कर चुका हूं और 2 रीड कर चुका हूं। ठीक है, तो अगर यहां पे 0 आता है, ठीक है, 0 आता है, तो क्या होगा, ये इंटरनली। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले मैं इसको करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 3 + 2 कितना हो जाएगा, ये 5 और 0 अभी बचा। ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं 3 × 5 + 0, ये ऐसा ही। ठीक है, तो ये क्या हो गया हम लोग का, तो 1 × 3 + 2 करेंगे, तो ये कितना आ गया 5, और उसके बाद फिर क्या है, 0। अब इसको 3 × 5 करेंगे प्लस 0, 3 × 5 + 0 मतलब 15 हो गए। 15 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 3 के साथ, तो ऑब्वियसली मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा मेरा 0, रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब यहां पे अगर मैं खड़ा हूं, ठीक है, यहां पे अगर मैं खड़ा हूं और 0 आ जाए, तो रिमाइंडर मेरे को कौन से स्टेट में भेजना है, इसको इस वाले स्टेट में भेजना है। ठीक है भाई, भेज दिया इसको, काफी कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। ठीक है, 1 2 है, अगर यहाँ पे 1 आ जाता है, 1 2 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 × 3 + 2, 1 × 3 + 2 मतलब 3 + 2 = 5, और 5 और 1 का मतलब 5 × 3 + 1, 5 × 3 + 1 मतलब 16, 16 को अगर डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो रिमाइंडर 1 आएगा, इसका मतलब अगर मेरा यहाँ पे खड़ा हूं और अगर यहाँ पे इनपुट सिंबल 1 आया, तो मैं इसको ये वाले स्टेट में भेज दूंगा। ठीक है, अब लास्ट 1 2 1 2 2, ठीक है, इंटरनली इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग बाइनरी में, बाइनरी से फिर इसको किस में कर रहे हैं, डेसिमल, कुल मिला के टर्नरी को डेसिमल में, तो 1 × 3 किए प्लस 2 करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बचा है 2,
इसको अब हम लोग कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो 5 × 3 + 2 कितना हो जाएगा 15 + 2 = 17 इन डेसिमल, तो 17 इन डेसिमल का मतलब इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 3 के साथ तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं लूप लगा देते हैं। तो ये जो मैं अभी बनाया इतना कुछ करके यही क्या हो गया हम लोग का मिनिमम डीएफए हो गया, किसके लिए इनपुट सिंबल अगर हम लोग कितने हो गए 0, 1 और 2 हो गए, ठीक है काफी कचरा टाइप का दिख रहा होगा, तो आप एज्यूम कर सकते हैं आप सोच सकते हैं कि 4 वाले के लिए कितना अजीब गरीब बनेगा। तो खुद ही यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ट्रांजिशन टेबल बना के आपको बताता हूँ शॉर्टकट बताता हूँ, और आप 4 वाले के लिए खुद से सॉल्व करके देखेंगे तो आपसे जरूर बनेगा। यहाँ Q0 Q1 और Q2 तीन स्टेट है हम लोग के, इनपुट सिंबल है 0, 1 और 2, ठीक है। अब देखिए शॉर्टकट है क्या, शॉर्टकट क्या है मैं आपको इसमें बता देता हूँ। देखिए हम लोग पास इनपुट सिंबल क्या है Q0 Q1 Q2, ठीक है इसको ऑर्डर में लिख दीजिए Q0 मैं यहाँ पे दूसरे पेन से लिख देता हूँ इसको, इसको हम लोग ऑर्डर में लिख दिए Q0 Q1 Q2, ठीक है साइक्लिक ऑर्डर आप फॉलो करते जाइए Q0 Q1 Q2, फिर आएगा हम लोग का Q0 Q1 Q2, फिर क्या आएगा हम लोग का Q0 Q1, फिर क्या आएगा Q2, ये आएगा। अब आप इसको चेक कर सकते हैं Q0 on 0 is Q0, Q0 on 1 is Q1, Q0 on 2 is Q2, ठीक है Q1 on 0 कहां है हम लोग का Q1 on 0 is Q0, Q1 on 1 is Q1, Q1 on 2 is Q2, ठीक है Q2 on 0 is Q0, Q2 on 1 is Q1 और Q2 on 2 is Q2, ठीक है बिल्कुल सही बैठ रहा है, मतलब ये एकदम सही है, ये हो गया हम लोग का फाइनल स्टेट, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा डीएफए बनाऊं जो कि डिविजिबल बाय 4 हो, तो वहां पे एक ट्रांजिशन टेबल मैं आपको बना के दिखा देता हूं, यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल, तो डिविजिबल बाय 4 के लिए अगर मैं बनाऊं तो कैसा बनेगा ट्रांजिशन टेबल, अगर मैं ऐसा बनाना चाहूं 0, 1 और 2 तीन इनपुट सिंबल के लिए मैं बना के देख रहा हूं, ठीक है 2 के लिए तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा Q0 Q1 Q2 और Q3 चार स्टेट लगेंगे क्योंकि चार वहां पे डिविजिबल बाय 4 है, रिमाइंडर 0, 1, 2, 3 आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं भरूंगा तो क्या लगूंगा Q0 फिर Q1 फिर Q2, ठीक है साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करना है, फिर Q3 फिर Q0 फिर Q1 फिर Q2 फिर Q3 फिर Q0 फिर Q1 फिर Q2 फिर Q3, तो ये उसका ट्रांजिशन टेबल होगा, ट्रांजिशन टेबल होगा जिससे हम लोग तुरंत के तुरंत डीएफए बना सकते हैं। अब वहां पे क्वेश्चन को और चेंज कर सकता है, वो बोल सकता है ऐसा बताओ जहां पे रिमाइंडर क्या हो जाए हम लोग का डिविजिबल बाय 3 हो और रिमाइंडर क्या हो हम लोग का 1 हो, जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं इस पैटर्न के क्वेश्चन R = W का अगर मॉड ले तो कितना आना चाहिए हम लोग का 1 आना चाहिए, ठीक है ऐसा कुछ था 0 अगर मैं यहां पे 1 रिमाइंडर करूं 1 mod 3, ठीक है W का अगर मैं मॉड करता हूं, ठीक है W का अगर मैं मॉड करता हूं 3 के साथ, ठीक है 3 के साथ अगर मैं मॉड करता हूं डिवाइड करता हूं तो उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 1 में क्या होगा स्टेट हम लोग का फाइनल स्टेट कौन हो जाएगा Q1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोग का शॉर्टकट हो गया, शॉर्टकट जिससे हम लोग तुरंत के तुरंत क्या कर दें टेबल जनरेट कर दें, और टेबल अगर हम लोग जनरेट कर दिए तो ऑब्वियसली हम लोग मिनिमम डीएफए तुरंत के तुरंत ये बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे टर्नरी नंबर के लिए क्या हो जाता है काफी मुश्किल हो जाता है डीएफए बनाना, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे शॉर्टकट यूज करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे की वीडियो में और भी हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो बचे कुछ हैं हम लोग सबको कवर अप करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।